खूबसूरत लगा ये बैक टू माई चैनल ये है जिंदगी। और आज है दिन मंडे और अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए और साथ ही साथ कुछ शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग आज हम लोग करेंगे एक बाज़ार में जो कि यहाँ पे लगभग 15-20 दिन से लगा हुआ है, वो है हस्तशिल्प बाज़ार। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग वहाँ और देखते हैं वहाँ से क्या क्या ख़रीदारी होती है। और मुझे कुछ सब्जियाँ वगैरह भी ख़रीदनी है तो उसके लिए थैला भी ले रही हूँ और पतिदेव जी भी आकर के मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। और अभी 5:30 बजे ही देखिए कितना अंधेरा हो गया, बिल्कुल शाम ढल चुकी है और 10-15 मिनट में रात हो जाएगी बिल्कुल। तो आते आते तो अच्छा खासा टाइम हो ही जाएगा हम लोग, कम आधा एक घंटा तो ज़रूर लगेगा उस बाजार में घूमने में क्योंकि सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आज वॉकिंग करते हुए ही इस मार्केट में हम लोग पहुँच चुके हैं यानी कि हस्तशिल्प बाज़ार। और यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको जितने भी घर के आइटम्स हैं वो सारे ही मिल जाएंगे, या फिर आपके कॉस्मेटिक्स हो या फिर कपड़े हो, पर्दे, जो भी हो, बर्तन हो, कुछ खाने पीने का मन हो, किचन के आइटम्स हो, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट में ही बहुत सारी चीज़ों की दुकानें लगाई गई हैं और धीरे धीरे हम लोग अंदर भी चलेंगे। और आज तो वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन पिछली बार जब मैं आई थी लगभग 10-15 दिन पहले दुर्गा पूजा के टाइम पे, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे और मुझे कुछ क्रॉकरी ख़रीदने थे इसीलिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ और कुछ प्लेट वगैरह मैं यहाँ से ख़रीद रही हूँ। और स्पेशली मैं आई थी ये छोटे वाले कांच के ग्लास लेने के लिए जो कि मुझे यहाँ पर कुछ सस्ता दिख रहा था, लेकिन वो ख़त्म हो गया था और जो कुछ बचे हुए थे वो थोड़े टूटे हुए थे तो फिर मैंने नहीं लिया है। बाकी और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज की हैं। और यहाँ पे खूब सारे इयररिंग्स भी मिल रहे हैं जो कि लड़कियों को, फीमेल्स को खास करके अट्रैक्ट तो करते ही हैं। लेकिन वैसे भी मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदनी थी, लेकिन फिर भी मैं गई थी इसलिए कि ताकि आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ और थोड़ा घूम टहल लूँ। और घूमने टहलने से ही जो मूड है वो फ्रेश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर जाएँ या फिर किसी भी मॉल वगैरह में भी जाएँ
तो कुछ ख़रीदना ज़रूरी ही है। अगर आपको पसंद आती है चीज़ें, अफोर्डेबल है चीज़ें, तभी आप ख़रीदें, या फिर मार्केट से सस्ती मिल रही है तभी खरीदें। तो मैंने भी यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज की है। कलर बहुत प्यारा कलर तीन दो आपको मिल जाएंगे, वाइट के भी है हल्के, ये जो सी कलर है हल्के पिंक पे, ये वाइट पिंक पे। तो हम लोग जैसे ही अंदर आए तो कपड़े वाले की दुकान पे हम लोग रुके, और मुझे ख़रीदना तो था कुछ और यहाँ से, और लेकिन हम लोग यहाँ पे रुक गए ये साड़ी देखने के लिए। और साड़ी जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत, खास करके इसका कलर कॉम्बिनेशन जो था वो काफ़ी अच्छा था। पूरी साड़ी पीच कलर की थी, और साथ ही साथ इसका आँचल जो है वो है रेड कलर का, तो इसी वजह से साड़ी की खूबसूरती और भी बढ़ रही थी। और इसका बॉर्डर भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और पति देव जी का थोड़ा सा मन हो गया था कि ख़रीद लिया जाए, लेकिन मुझे ऐसे जगह पे साड़ी वगैरह ख़रीदने में थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैंने अपने मन को मना लिया, नहीं मुझे नहीं ख़रीदना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पति देव जी जो हैं वो बोल रहे थे कि देख लो अच्छी तरह से, लेना है तो ले सकती हो। और यहाँ पे हैं किचन के बहुत सारे आइटम, छोटे छोटे कढ़ाई हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, लेकिन मुझे नहीं ख़रीदनी थी ये भी चीज़ें नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत ही यूजफुल हैं, लेकिन लगभग सारी चीज़ें मेरे पास थी, और जो कुछ थोड़े बहुत मुझे लेने थे तो मुझे लगा चलो ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी। टूटी फ्रूटी है, मिक्स वाला कलरफुल नहीं रखे हैं, कलरफुल चाहिए था हमको। बहुत ये कैसे रखे हुए हैं ये? तो यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, तो यहाँ पे सौंफ वगैरह को कई सारे फ्लेवर्स में कोट किए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे रंग बिरंगे सौंफ भी देख सकते हैं, और कई तरह की चटनियाँ भी हैं, और उसी में से एक है ये इमली वाली चटनी। और काफ़ी सारे यहाँ पे टॉफ़ी वगैरह भी हैं जो कि हम लोग बचपन में खाते थे, ब्लैक वाले, फिर मल्टी कलर्स वाले, तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे वैसा कुछ लेना नहीं था, और मैंने एक दो चीज़ें यहाँ पे टेस्ट भी की थी, खट्टी मीठी इमली वाली, और अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें लाने के बाद फिर रखा ही रह जाता है, मैं यूज नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी ज़्यादा कुछ परचेज नहीं किए हैं, बस एक चीज़ मैंने यहाँ से भी परचेज की है। तो यहाँ पे इन सारी चटपटी चीज़ों को देख करके, खास करके इमली जो है चटपटी, उसे देख करके किनके मुंह में पानी आ गया है। और साथ ही साथ देखिए अब हम लोग आ पहुँचे अचार वाले की शॉप पे, और अचार वाले के पास जाने के बाद ना मतलब दूर से ही आपको एक अलग सी स्मेल आने लगती है अचार वाली, जो कि आपको अट्रैक्ट कर ही लेती है।
और इन दुकानों के अलावा यहाँ पे और भी कई चीज़ों की शॉप है, तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज तक के ब्लॉग को यहाँ पे रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।